हाँ जी बेटा, प्रॉब्लम डिस्कस करने लगी हूँ। इट इज गिवन एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज गिवन टू मी वन माइनस कॉस के एक्स ओवर एक्स साइन एक्स। इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और वन बाय टू इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज कॉन्टिन्यूस जो है फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। मुझे दिया और फाइंड के कहा है। अब आपको पता है कोई लेस देन ग्रेटर देन वाली बात नहीं। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब लिमिट एफ ऑफ एक्स हो गया एफ ऑफ जीरो के इक्वल होगा। अब मुझे ये लिमिट सॉल्व करनी है, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो वन माइनस कॉस के एक्स ओवर एक्स साइन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो तो वन बाय टू ही है ना। अब इसको सॉल्व करना बेटा। सॉल्व करने का पहले तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है सबसे पहले, क्योंकि साइन एक्स अप्रोचेस जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूं तो साइन जीरो जीरो हो जाता है और डिनोमिनेटर में जीरो नॉट डिफाइंड होता है, होता है कि नहीं होता? तो मैंने एक्स से डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब इसका बेनिफिट क्या हो गया? जब आप पेपर में करोगे आपने स्टेप बाय स्टेप थोड़ा करना है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। तो मेरे पास ये वन माइनस कॉस के एक्स बाय एक्स स्क्वायर अलग हो गया और लिमिट मेरे पास हो गए वन ओवर लिमिट साइन एक्स बाय एक्स एक्स अप्रोचेस जीरो, ये वन हो गए। फॉर्मूला होता है ना लिमिट का, साइन थीटा बाय थीटा वन नहीं होता, तो ये वन हो गया। तो वन ओवर वन ये वन हो गया, ये खत्म हो गया। अब मेरे पास रह गया सिर्फ ये प्रॉब्लम। यहाँ पर भी मैं सीधे ही कर सकती थी, पेपर में तुम सीधा करोगे क्योंकि एमसीक्यू टाइप निकालना है आपने। अब देखिए, जब भी वन माइनस कॉस थीटा है, वन माइनस कॉस थीटा उसकी जगह टू साइन स्क्वायर हाफ ऑफ दी एंगल, अब मैं लगाऊंगी मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो टू साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल बाय एक्स स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर होता है, वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर होता है। ओके, अब मैंने ये स्क्वायर आ गया, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे जो एंगल यहां वही एंगल यहां बनाना। अब उसके लिए मैं क्या कर रही हूं देखिए, लेट अस सी मैं क्या करूंगी बेटा। यहां पर लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो टू साइन के एक्स बाय टू बाय एक्स का ऐसे स्केयर कर दू, कट्ठा स्केयर कर दू, एक्स का स्केयर और साइन का स्केयर, उसका बेनिफिट क्या हो? अब मुझे एंगल में के बाय टू चाहिए, के बाय टू से डिवाइड किया, के बाय टू से मल्टीप्लाई किया। आपको समझाने के लिए बता रही हूं, ये सारा तो लिमिट के फॉर्मूले से वन हो जाए, होगा कि नहीं? अभी बताया ना साइन थीटा बाय थीटा, होगा कि नहीं वन? अब क्या रह गया मेरे पास? के बाय टू और ये टू और ये के बाय टू का स्केयर, कोई एक्स तो नहीं बचा, लिमिट खत्म, लिमिट खत्म, तो व्हाट इज लेफ्ट? टू के स्क्वायर बाय फोर, ये कटिंग तो के स्क्वायर बाय टू, और दूसरी तरफ क्या चल रहा था? वन बाय टू, तो दिस इंप्लाइज वन बाय टू के स्क्वायर इज वन, तो के की वैल्यू प्लस माइनस वन। समझ आई बेटा? ये वाला तो लिमिट में पक्का यूज होता है ना, साइन थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो ऑलवेज वन, ऐसे ही लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो टैन थीटा बाय थीटा वन। समझ आई बेटा सेक्शन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर? और कोई क्वेश्चन? चलूं आगे, अब मैं करवाऊं अपना। ओके, हम मेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सुबह मैंने रिकॉल करवाई ना आपको, उसी पर मेन में आपको फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है आपको पता नहीं चल रहा है पुट क्या करना है। मैं बार बार कह रही, तो उसके लिए आपको प्लस वन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लो, ये आप पर बेस्ड है।
क्योंकि प्लस वन के थोड़े ज्यादा याद होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको प्लस वन के बार बार बोल रही हूँ। मैंने सुबह भी बताया, फिर बता रही हूं कि साइन टू थीटा क्या होगा, यहाँ थीटा कुछ भी हो सकता है, एनी टर्म एनीथिंग, तो उसकी जगह या तो टू साइन थीटा कॉस थीटा लगा सकती हूँ, या मेरे पास टू टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लगा सकती हूँ। ओके जी, सेकंड मेरे पास हो अगर कॉस टू थीटा है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा सकती हूँ, या अगर साइन स्क्वायर की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर है तो मैं क्या लगा सकती हूँ, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, या टैन में भी तो चाहिए ना, वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा ओवर वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अभी आप लिखोगे ना, अभी जब मैं इनवर्स कराऊंगी ये लिखे रहने देते, मैंने रब नहीं करने, देन यू कंपेयर इट एंड कम टू नो ये कैसे यूज होता है। ओके क्लियर बेटा, तो देखिए कैसे, अब लास्ट टैन टू थीटा, टू टैन थीटा ओवर मेरे पास वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अभी क्वेश्चन करवाती हूँ, देन यू कम टू नो कि यस मैम ये यहाँ पर ऐसे कैसे है ना, देखिए कैसे, अभी मैं बताती हूँ, लेट अस सी द क्वेश्चन। अब जैसे मेरे पास जो है, हम लोग डेरिवेटिव में ही कर रहे थे सुबह है ना, और आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या पुट करें या कैसे पुट करें। देखिए जैसे मेरे पास अगर ऐसा कुछ होता, साइन इनवर्स टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स के, मैं कहती फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव। अगर मैंने कहा बेटा इसको देख के, इनवर्स को देख के आपके दिमाग में आना चाहिए अंदर साइन का फॉर्मूला लगना, अब मुझे बताओ एक्स की जगह पे ऐसे कोई कुछ टू फिर टी रेशियो वन प्लस कोई फॉर्मूला है, साइन का यही है ना, तो देखो क्या लग रहा है, मैं एक्स को क्या पुट करूं, टेन थीटा। जब आप पुट करोगे एक्स को टेन थीटा बेटा, तो ये अपने आप साइन इनवर्स टू टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बना। अभी इसकी जगह पे क्लियर कट बेटा क्या लिख सकते हो, साइन टू थीटा। ये सारा काम क्यों किया, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन होगा तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, अपने आप कट जाएगा, तो मेरे पास यहां पर क्या बन जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स साइन टू थीटा, एंड व्हाट इज लेफ्ट, टू थीटा। थीटा क्या लिखोगे अब, वापिस हमने अपनी तरफ से पुट किया ना, तो टेन इनवर्स। अब देखो इसका डेरिवेटिव लेना कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए, वाई डैश, समझ आई बात, कितना इजी हो गया ना, वैसे तुम करते तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता, बात समझ आई मेरी, दमन क्लियर हुआ। तो ये फॉर्मूले आने बहुत जरूरी है, सारे इकट्ठे मत लर्न करो अगर तुम्हें नहीं लर्न होते है ना, वैसे तो आज या के एक करो, इसको बार बार लेके आते जाओ, बार बार अपने दिमाग में फॉर्मूले को लेके आओ, सोते जागते खाना खाते है ना फॉर्मूला लेके आओ, अच्छा साइन टू थीटा का ये होता है, ये होता है, अपने आप लर्न हो। बेटा साइन स्क्वायर की जगह पे जब मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर पुट करूं, ये माइनस है ये इस माइनस को प्लस कर देगा, तो कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा, ठीक है जी, समझ आई बात, ठीक है। और जैसे मैंने क्वेश्चन किया, लेट अस सी, उसने मुझे कहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। एक तो ये टाइप है कि आपको फॉर्मूले पर बेस्ड पता लगना चाहिए। अब कई बार होता है कि
बाहर कुछ वैसे ही और है जैसे सीकेंट, अंदर है टैन इनवर्स, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म तो नहीं है ना। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना के टैन इनवर्स को सीकेंट इनवर्स में चेंज करो। कैसे, अगर मैं इसको थीटा मान लू है ना, तो ये टैन इनवर्स एक्स थीटा के इक्वल, तो टैन थीटा एक्स के इक्वल, एक्स वैसे टैन थीटा होता किसमें, पी बाय बी के इक्वल, ये थीटा ले लिया पी, एक्स हो गया बी, वन हो गया, ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, वन प्लस एक्स के अंडर, ठीक है। अब मेरे पास हो गया, क्या करना चाहिए यहाँ पर, इसको सीकेंट में चेंज कर। अब सीकेंट इनवर्स सीधा ही लिख दो, सीकेंट इनवर्स क्या होता है अपने मन में सोचो, एच वाई बी कॉस का उल्टा होता है ना, है ना, एच वाई बी। अब एच कितना है, बी कितना है, वन, यानी आंसर क्या बनेगा, सिंपल, आप सीकेंट है सीकेंट इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर करोगे, ये और ये कट गया आपके लिए, आंसर इज दिस, बस है ही नहीं कुछ मुश्किल इनवर्स में। और यही कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव में भी यूज, बेटा मैंने टैन इनवर्स एक्स को थीटा लिया, अब मेरे को थीटा को मैं सीकेंट इनवर्स एक्स भी तो लिख सकती हूँ, यानी टैन इनवर्स थीटा है तो मैं उसकी जगह सीकेंट इनवर्स भी तो लगा सकती हूँ, थीटा तो सेम ही रहना है। ये थीटा लिया तो तुम सीकेंट इन थीटा निकालो, वो यही आएगा, इसको छोड़ो, सीकेंट थीटा यही आएगा। अब थीटा क्या आ गया, ये आया, मैंने टैन इनवर्स एक्स को क्या लिया था, थीटा का क्या निकाल दिया, ये, यानी ये आपस में इक्वल हो गए ना, इक्वल हुआ क्या, नहीं, तो मैं टैन इनवर्स एक्स की जगह ये टर्म नहीं लिख सकती। मैं कह रही हूं इतना मत सोचो कुछ भी, इनवर्स और उसको मत सोचो तुम, अब वो टाइम नहीं है कि तुम पेपर में इतना थोड़ा वो करोगे, सिंपल है, टैन इनवर्स को सेकंड में लेके जाना, तो सेकंड इनवर्स की वैल्यू निकालो, बस उस वैल्यू को रिप्लेस कर दो, वो कट जाना जो बचा वो आंसर। समझ आई बात, कोई डाउट तो नहीं, हाँ जी हाँ जी। अच्छा अब इसका अगर आ जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव, तो क्या करते हैं, ये वाई था ना, अब वाई डैश देखो, वाई मेरे पास है वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाय टू, पावर आगे जाएगी एक, पावर कम हो जाएगी, होगी ना, इनटू अंदर एक्स नहीं है ना, चेन रूल लगेगी, अंदर वाले का भी डेरिवेटिव। अब वन प्लस एक्स स्क्वायर का, वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, अब ये टू से टू कट जाना, आगे जीरो ही है ना, वो तो लिखने की जरूरत है, तो क्या बचेगा बेटा, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाय टू एक्स। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पावर नेगेटिव मतलब नीचे आना, वन बाय टू पावर मतलब अंडर रूट, समझ आ गई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक, अब पता चला। फिर एक इनवर्स के क्वेश्चंस हैं बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले, वो कैसे है कि उसमें आपको देखना है वो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करता है कि नहीं करता। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, देखिए लेट अस सी, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, साइन इनवर्स, साइन
इसमें ऐसे कटिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती पता? क्यों? प्रिंसिपल वैल्यू पे लाइक उसने कहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। तो बेटा जब प्रिंसिपल वैल्यू की बात की जाए, मैं आपको बार बार कह रही हूं उसकी प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज आपको पता होनी चाहिए। साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -90 to 90 है, तो क्या ये वैल्यू उसमें लाई कर रही है? नहीं लाई कर रही, ये -600 है। यानी मेरे को इसको तब तक ब्रेक करना है, तब तक ब्रेक करना है जब तक ये प्रिंसिपल वैल्यू के लाइन अंदर ना आए। उसके लिए जो नीचे होता है ना उसका मल्टीपल ब्रेक करो। नीचे क्या है? 3 का मल्टीपल नियर जो 9। चलो आपने ऐसे करना है, लेट अस सी -9π - π/3। एक मेथड ये, अगर आपको नेगेटिव की कंफ्यूजन लगती है आप ऐसे भी ले सकते हो, 12π - 2π। ये कितना हुआ? 10π। नेगेटिव बनाना है ऐसे भी कर सकते, इट इज अप टू यू। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो ये फिर 120 बन जाता है, इसको फिर ब्रेक करते तो डबल ब्रेक से अच्छा है पहले ही हम ज्यादा ब्रेक। जब आप इसको अलग अलग करोगे 2π/3 120 बन जाएगा ना, फिर दोबारा ब्रेक करेंगे। तो बेटर क्या होता है कि हम पहले ही छोटे से ब्रेक करें, -9π - π/3। ओके, अब साइन इनवर्स आप चाहो तो दोनों से नेगेटिव पहले ही कॉमन भी ले सकते थे, ऐसे ऐसे। तो मेरे पास ये बन गया 3π किया प्लस मेरे पास π/3। कई बच्चों को ये नहीं पता चलता है, मैं बार बार कहती हूं आप पे डिपेंड करता है कैसे ब्रेकेज करनी। अब 3π + π/3, 3π का मतलब क्या? ये देखो मेरे पास ये पाई एक चक्कर, दूसरा है ना, फिर तीसरा पाई यहां पर आया। अब पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना, तो आप क्या कर सकते हो यहां पर सीधा ही साइन इनवर्स, इसका भी नेगेटिव एक बाहर आएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव इसको क्या कर देगा पॉजिटिव। आंसर क्या बचा? आंसर इज 5/3। ऑप्शंस चेक करें हम लोग जो है दी हुई है मेरे पास। और इस क्वेश्चन को करने के कोई एक मेथड नहीं है, मैं कहूं कि सिर्फ एक मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। 5/3 ऑप्शन दी हुई है हमें, तो बिल्कुल करेक्ट है। मैंने ऐसे किया, कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है। ये देखो स्टार्टिंग में ही, ये लो सेकंड मेथड, वो स्टार्टिंग में ही नेगेटिव बाहर ले लो, है ना। साइन इनवर्स -θ इज -sin θ होता है, तो sin θ सॉरी। तो मैंने क्या किया, -sin ये 10π/3 कर दिया किया। अब मैंने इसको सीधा 2π माइनस ऐसे ले लिए, नेगेटिव भी आई। अब ये क्या हो गया? साइन इनवर्स -sin 4π माइनस ये लो n π से तो वो साइन खत्म ही हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। ये साइन इनवर्स -sin ये 2π/3। कैसे? अब ये नेगेटिव भी खत्म होना है, 4π - θ है ना, 4π - θ। जब मैंने स्टार्ट किया 4π यहां होगा, जब माइनस करेंगे तो पीछे आते हैं ना, हम इधर से मूव कर रहे हैं, π 1 2 3 4 यहां आया। माइनस करना है तो पीछे आते हैं, प्लस करना है तो आगे जाते हैं। अब 4π में से कुछ माइनस होना,
कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फिर नेगेटिव होता है, तो वो वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव क्या बना देगा इसको? कॉस। अब ये अभी भी नहीं काट सकते क्योंकि ये गया 2π/3 120। 120 को कैसे लिख सकते हैं? 180 माइनस 60। ये 120 है ना, है ना मेरे पास, ये 60 × 2 तो 180 माइनस, ठीक है ना। जब आप पाई माइनस पाई बाय थ्री करोगे वो साइन ने क्या रहना है? पॉजिटिव ही रहना है, तो अपने आप इसकी जगह क्या आ जाएगा? साइन पाई बाय थ्री। ये फिर कट गया, आंसर तब भी पाई बाय थ्री आए। हाँ बेटा, अगर हम एंगल को माइनस करते हैं तो हम इधर को जाते हैं, एंगल यहाँ प्लस में हो तो आगे को मूव करते हैं, तो माइनस था तो पीछे को रहना, तो इसी क्वाड्रेंट में है ना, क्योंकि 4π यहाँ पर होता है इसी। वैसे भी साइन 2nπ प्लस थीटा साइन थीटा होता है, ये अगर प्लस बनाना है तो एंगल नेगेटिव इसके साथ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा? माइनस यहाँ आएगा और फिर वो माइनस बाहर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव को क्या बना देगा? पॉजिटिव। जिस मर्जी वे से तुम करो, समझ आई बात? क्लियर है ना। ऐसे ही चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का। कॉज इनवर्स, अब मैं कोई हिंट नहीं दूंगी, थोड़ा सा सोचिए। एक क्वेश्चन बोर्ड में प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस तो आता ही आता है, कॉस इनवर्स, कॉस माइनस 34π/9 कीजिए। हाँ जी जल्दी जल्दी जरा, तब नूर एनी प्रॉब्लम बेटा, सारे हो रहे हैं। सबसे पहले क्या करोगे, ये ना नेगेटिव को खत्म किया करो, कॉज नेगेटिव को क्या कर लेता है? कंज्यूम, छोड़ दो, करता है कि नहीं? कॉज माइनस थीटा इज कॉस थीटा ना, तो छोड़ो ना पुत्र उसको। अब 9 का मल्टीपल 36, 27 तो दूर है ना, 36 ही लेंगे ना, तो 36 माइनस 2 ही करेंगे ना, कॉस इनवर्स 4π माइनस 2π/9। अब देखो ये आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? 0 2π 2π 3π 4π। अब माइनस है पीछे है ना इस क्वाड्रेंट में, ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉज क्या होता है इसमें? पॉजिटिव होता है ना, तो दैट मींस कॉज इनवर्स कॉज 2π/9। अब 2π/9 आराम से आता है 0 to π में, आंसर क्या आ गया? 2π/9। है कोई मुश्किल? कोई नहीं है ना, समझ आई बेटा? कोई डाउट तो नहीं यहां पर? ठीक है जी, एनी डाउट? पता चला कि नहीं? अब ऐसे ही करना है, आपने देखना है कि किसमें वो एडजस्ट हो रहा है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, और चलो सिंप्लीफाई करो। पक्का एक ये प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन और एक वो इन
डेरिवेटिव में इनवर्स वाला क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में होगा ही होगा, देखिए ठीक है। तो एक ये देखिए जरा, साइन इनवर्स कॉस, एक ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सेकंड साइन पाई बाय टू, कीजिए फटाफट। लेट अस सी कि कहां तक आप पहुंचते। जितना ब्रेन यूज करोगे उतने क्वेश्चंस निकलेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूं यहां पर। जल्दी जल्दी बेटा, पहला आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या बनाओ? साइन बनाओ, या इसको पहले सिंप्लीफाई कर दे। पहले सिंप्लीफाई कर लेते, करें कैसे? ब्रेकेज करूं 35 का, तो कॉस हमें सीधा कर रही हूं 7 पाई माइनस, यही बना ना, है ना। अब मेरे को ये देखना है, खुद देखो, आपको पता 1 2 3 4 5 6 7 यहां पहुंचा, 7 पाई माइनस थीटा कहां आ गया? सेकंड में। सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, होता कि नहीं होता? तो मैंने क्या, मैं ये रब, चलो इधर कर देता हूं। साइन इनवर्स कॉस और नेगेटिव होता है, तो मैंने नेगेटिव यहां लगा दिया। ओके क्यों बेटा? उसने बोला नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, हमने अभी चेक किया ना, तो फिर बाहर माइनस लगेगा नहीं? अभी अभी तो बताया आपको ड्रॉ करके, 7 पाई है, ये 0 से शुरू है, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये 7 पाई है। 7 पाई से क्या करना है? माइनस, माइनस किया तो सेकंड क्वार्टर में दे 7 वाले जो माइनस पे प्लस पे, अगला अगर यहाँ प्लस होता तो आई विल मूव टूवर्ड थर्ड क्वार्टर, ठीक है। यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई पुट नेगेटिव हियर। अब मुझे कॉस को किस में चेंज करना है? साइन में करो। अगर कॉस पाई बाय फाइव है तो साइन कितना होगा? जल्दी करो, नहीं चेंज करना था ट्रायंगल बना के। वहां मैं मेथड थोड़ा बताने आऊंगी बेटा, अभी तो किया। अगर सिंगल सिंगल टर्म है तो करो, ट्रायंगल बनाइए जल्दी। बी बाय एच होता है, अच्छा इसकी तो सीधा वैल्यू, ये इनवर्स थोड़ा है, ये भी देखिए इसकी तो सीधी वैल्यू निकाल सकते हो। 180 बाय 5 कटिंग करो, मेरे पास हो गए 50, कितनी आई है ना? अब आपको तो याद ही नहीं होगी वैल्यू 36। अब क्या कर सकते हो? अगर याद नहीं है, बाय चांस याद नहीं है आपको, अब साइन इनवर्स माइनस थीटा याद करो। मैंने स्टार्टिंग में इनवर्स के आपको फॉर्मूलेस करवाए थे, मेरे पास क्या होते हैं? साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस साइन इनवर्स हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो मैं माइनस साइन इनवर्स ये कॉस पाई बाय फाइव। अब यहां 18 की वैल्यू आपको चाहिए ही होगी। अभी अगर कॉस 18 डिग्री निकालना है आपने, तो 18 ही बना, 180 बाय 5 करना जरा, हाँ 36 सॉरी, चलो 36 निकालना है। अब 36 देखो कहाँ कहाँ हम कैसे कैलकुलेट,
वैसे प्लस वन में हमने कॉस 18 की वैल्यू, 36 की, ये 72 की सारी वैल्यूज आपको बताई हैं। तो बेटर है आप डायरेक्टली लर्न करो, नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उसके बाद आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, वो आंसर हो जाएगा बस। हाँ, वैल्यूज तो बेटा वो बड़ी वाली होती है ना, उसको हम याद नहीं करते हैं, आपको उस टाइम पे कहते हैं कि लर्न इट, तो वो लर्न करनी पड़ेगी। मैं सेंड कर दूंगी वैल्यूज का, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस।